हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक धमाकेदार शेयर पे चर्चा करने वाला हूँ जिसका नाम है प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपनी ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, screener.in वेबसाइट का नाम है। इस पर शेयर प्राइस ₹8.16, पिछले ट्रेडिंग डे में माइनस में 1.33% इसका शेयर प्राइस डाउन हुआ था। करेंट में इसका मार्केट कैप 121 करोड़ का है, बहुत ही छोटा कंपनी है। करेंट प्राइस ₹8.16, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, बट बुक वैल्यू ₹13.40, बुक वैल्यू से काफ़ी कम रुपए पर ट्रेड कर रही है ये शेयर। स्टॉक पी 0.86, काफ़ी कम है पी, बहुत ही अच्छा स्टॉक है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। ROC 114%, ROE 114%, 52 वीक का हाई लो ₹13 और ₹6.28, डिविडेंड यील्ड कुछ भी पे नहीं कर रही है, फेस वैल्यू ₹1। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसका बिजनेस क्या है, तो ये 1987 में स्थापित कंपनी है और इसका बिजनेस है बनाने का। क्या बनाने का? तो साल्ट एडहेसिव टेप्स, यही ये बनाता है और इसको सेल करता है। जैसा कि दोस्तों ये किस चीज़ को बनाता है, तो साल्ट एडहेसिव टेप, तो उसके बारे में उसका पिक्चर छोटा सा क्लिक किया हूँ जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये सब प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। मतलब इस टाइप का, ठीक। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का स्टॉक है, कैसा इसमें फ्यूचर हो सकता है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। 1 ईयर का प्राइस चार्ट जिस तरीके का दिख रहा है, ये कंसोलिडेट मोड में है अभी, बट इसका रिजल्ट आते हैं ये काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड पकड़ेगी मेरे आइडिया अनुसार, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं जून 2023 का कितना बेहतर प्रदर्शन है इस स्टॉक का, वो आपको समझ में आ रहा होगा। जो कि 96 करोड़ का सेल्स किया था पिछले साल में, तो जब इतना अच्छा सेल्स किया था और मार्च 2023 में 41 करोड़ सेम क्वार्टर में, सिर्फ साल का डिफरेंट है 2023 और 2024, देख सकते हैं कि कितना अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अनुसार हम उम्मीद कर सकते हैं कि जून 2024 का जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाली है वो काफ़ी बेहतर होगी। बाकी मार्च 2024 का रिजल्ट देख सकते हैं कि सेल्स 71 करोड़ का और एक्सपेंस मात्र 42 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 29 करोड़ का और नेट प्रॉफिट भी 29 करोड़ का ही है। एक नज़र इसके प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं सिर्फ मार्च 2024 वाला जो ईयरली शो है रिजल्ट, उस पर ध्यान देंगे। सेल्स 349 करोड़ का और एक्सपेंस 208 करोड़ का, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 141 करोड़ का, काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस शेयर का, और नेट प्रॉफिट 141 करोड़ का, जिसके वजह से अर्निंग पर शेयर ₹9.54। अब यहाँ पे भी सोचने वाली बात है कि जिस शेयर का प्राइस ₹8.16 हो और एक साल में ₹9.54 वो अर्न कर लेता है, तो कितना अच्छा स्टॉक है। वो भी EPS है, यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे ₹9.54। अगर ऐसा ही रिजल्ट आगे भी रहा क्वार्टर दर क्वार्टर,
ईयर ऑन ईयर, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रुपया बना करके दे सकता है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। इस शेयर का बैलेंस शीट देखते हैं। इक्विटी कैपिटल 15 करोड़ का, रिजर्व इसके पास में 184 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा है मार्च 2024 के अनुसार। टोटल लाइबिलिटीज 199 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट भी है 2 करोड़ का मात्र, फिक्स एसेट भी इसके पास में है 1 करोड़ का। टोटल एसेट 199 करोड़ का हो चुका है, जो कि एक समय था 21 करोड़ का, मात्र 21 करोड़ का टोटल एसेट था, वो बढ़ करके 52 करोड़ का हुआ, फिर से 199 करोड़ का। कहते हैं ना, हर इंसान में अच्छाई 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 ही नहीं होता, कुछ ना कुछ बुराई होता है। उसी तरीके से इस स्टॉक में भी एक बुराई है। क्या है वो? है स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग नहीं होना, जो कि यहाँ पर साफ दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास में 100% स्टॉक है, बट जून 2021 में 6064 शेयर होल्डर्स था, यानी कि इन्वेस्टर था, वहीं पे अभी बढ़ करके 52,337 हो चुका है। काफ़ी अच्छा इस शेयर के प्रति रुझान देखने को मिला है इन्वेस्टरों का। तो एक यही बैड मेरिट है इसके अंदर कि प्रमोटर जिसने स्थापित किया इस कंपनी को, जो स्टार्ट किया, वही इसमें होल्डिंग अपना नहीं रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा भी स्टॉक बहुत है जो कि चलती है अच्छी खासी, और जिसमें प्रमोटर का योगदान न के बराबर नहीं ही है मान लिया जाए तो ऐसा भी स्टॉक बहुत देखने को मिला है। एक नज़र डालते हैं इस शेयर के बारे में, जानते हैं BSEIndia.com वेबसाइट पे, तो यहाँ पर भी शेयर प्राइस 8.16 रुपया ही है, जो कि पिछले ट्रेडिंग डे में -11 पैसा डाउन हुआ है। इसमें भी 29/6/2024 का लास्ट अपडेट न्यूज है, जो कि क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो है। अब देखने वाली बात है डिलीवरी पोजीशन, तो डिलीवरी पोजीशन इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा है। 28 जून 2024 16:00 बजे का अपडेट है, जो कि क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 4,55,751, इतना शेयर का खरीद बिक्री हुआ है। और डिलीवरी क्वांटिटी में, यानी कि डिलीवरी में उठाया गया कितना, तो 3,39,438, परसेंटेज रहा 74.48%। काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है इस स्टॉक का, तो इस स्टॉक में उम्मीद किया जा सकता है कि बहुत ही जल्दी स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगी। इस शेयर के बारे में थोड़ा सा जानकारी इस पे भी हासिल हो सकता है, जो कि आउटलुक मनी पे है। क्या लिखता है ये? प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड मजबूत बुनियादी ढांचे और महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं के साथ विकास के लिए तैयार, जो कि 4 मार्च 2024 का है ये फोटो, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं क्लियर रूप से। इसको विस्तार पूर्वक से पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज करके पढ़ करके समझ सकते हैं क्या इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर उस डेट के अनुसार देख सकते हैं कि अनुमान कितना रुपया लगाया गया। शेयर बाजार के विशेषज्ञ कंपनी के भविष्य को लेकर आशावादी है। उन्होंने 100 रुपये के एक साल के लक्ष्य मूल्य का अनुमान लगाया है, जो 700% से अधिक की संभावित वृद्धि को दर्शाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करके पढ़िए इसको, इसमें पूरा समझने वाली बात है पूरी की पूरी, तो थोड़ा पक्का पढ़े। अंत में दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके का स्टॉक मिलना मुश्किल होता है, अगर मिले तो कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार ही करना चाहिए। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट धमाकेदार स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।